सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके से इस वक्त आ इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। अभी कुछ देर पहले इमलिया सुल्तानपुर इलाके में एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या पूरा मामला है, घटना कहां पर कैसे हुई, वहां पर हमारे संवाददाता धनंजय मौजूद है। धनंजय बताइए क्या मामला है। सर, इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में देवई निजामपुर गांव के बीच में एक सड़क किनारे बाइक खड़ी हुई थी, वहीं पे एक युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिस पर निकल सड़क पर निकल है। ग्रामीणों ने इमलिया पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस घायल खून से लथपथ युवक को लेकर जिला अस्पताल गई, जहां उसे जो है डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धनंजय बताइए कि मृतक की अभी तक शिनाख्त हो पाई है, मृतक कहाँ का रहने वाला है और वहाँ कैसे पहुँचा वो? सर, बाइक के नंबर के अनुसार मृतक की शिनाख्त मोहित अवस्थी, उम्र 30 वर्ष, पुत्र रामभूषण अवस्थी, गांव परसेहरा सरीपुर थाना हरगांव सीतापुर के रूप में हुई है। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? मौके पे एसपी आरपी सिंह, एडिशनल एसपी डॉक्टर राजीव दीक्षित, प्रभारी सीओ सहित कई थानों की फोर्स पहुंची है, क्राइम ब्रांच भी पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अधिकारी प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रहे हैं। धनंजय बताइए कि घटना किस वजह से अंजाम दी गई, अभी तक क्या कुछ ये निकल कर सामने आ पाया है? घटना के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल सका है, बाकी जो है अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और हर गांव पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है, परिजन भी मौके पर आ रहे हैं। तो ये पूरा मामला है, इमलिया सुल्तानपुर इलाके का मामला है। हालांकि भी घटना के कारण क्या है वो सामने नहीं आ सके हैं, एसपी भी वहां मौके पर मौजूद हैं और पूरा पुलिस अमला जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।